गुड मॉर्निंग, आप सभी को नवरात्रि पर्व की ढेर सारी बधाइयाँ। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं घंटे को मिनट में बदलना। और इसके लिए हमने तीन अलग अलग तरह के सवाल लिए हैं, 4 घंटे, 3/4 घंटे और 2.5 घंटे। और इन सभी को हमें मिनट में बदलना है, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए हमें सबसे पहली चीज़ जो याद होनी चाहिए वह है घंटे और मिनट के बीच संबंध, कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो आप सभी को पता ही है कि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। और यह संबंध आपको याद है तो आप किसी भी तरह के सवाल को, चाहे वह यह सवाल हो या भिन्न का सवाल हो या दशमलव का सवाल हो, आप मिनट में आसानी से बदल सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि 1 घंटे बराबर 60 मिनट, यह हमें पता है, इसलिए हमारे पास सवाल क्या है, 4 घंटे। तो क्या होगा, इस 4 घंटे में हम 60 मिनट का गुणा कर देंगे। आपने गुणा कर दिया, गुणा कर लीजिए, शून्य उतार लेते हैं और 6 चौक 24, 240 मिनट। 4 घंटे में कितने मिनट होंगे, 240 मिनट। तो बेहद आसान सा सवाल है, बस आपको यह संबंध याद रखना है कि 1 घंटे बराबर 60 मिनट। दूसरा सवाल है भिन्न का, और अक्सर हम यहाँ गलतियाँ कर जाते हैं कि हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको यह याद रखना है 1 घंटे बराबर 60 मिनट। यहाँ भी हम वही प्रक्रिया दोहराएंगे कि चूंकि 1 घंटे बराबर 60 मिनट, इसलिए कितना टाइम दिया है हमें, 3/4 घंटे। तो जैसा हमने यहाँ किया था वही यहाँ भी करना है, 3/4 में हमें 60 मिनट का गुणा करना है। अब देखिए, इसको हम 60/1 भी कर सकते हैं। अब देखिए, 4 से कैंसिल होगा क्या, बिल्कुल होगा, 4 एकम एक बार, और 4 एकम 4, 2 बचे 20 हो गया, 4 पंचे 20, मतलब 15 चौक 60 भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचे, 3 × 15, तो 15 = 45 मिनट, ज्यादा कुछ नहीं है, 3/4 घंटे यह बराबर होगा 45 मिनट के। तो देखिए, यह सवाल हो या भिन्न का सवाल हो, हमने जो प्रोसेस है वही रखा है कि हमें पता है 1 घंटे बराबर 60 मिनट। आगे चलते हैं, जहां हमारे पास है दशमलव का सवाल, 2.5 घंटे में कितने मिनट होंगे, ठीक है। तो यहां भी हम वही करेंगे जो पिछले 2 सवालों में किया है, कि चूंकि 1 घंटे बराबर 60 मिनट, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास सवाल क्या है, 2.5 घंटे। तो इस 2.5 में या 2.5 में हम 60 मिनट का गुणा कर लेंगे। गुणा कीजिए, क्या होगा, शून्य उतार लेते हैं, अभी दशमलव को भूल जाइए, समझिए 25 में हम 60 का गुणा कर रहे हैं, 6 पंचे 30 की शून्य, हासिल 3, और 6 दूने 12 3 15। अब देखिए, दशमलव के दाईं ओर एक अंक है केवल 5, तो हम दाईं ओर से एक अंक छोड़ेंगे और यहाँ लगाएंगे दशमलव, मतलब क्या मिला हमें, 150 मिनट। 2.5 घंटे यह बराबर होगा 150 मिनट के। तो आपने देखा होगा घंटे को मिनट में बदलने के लिए हमें क्या याद होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए घंटे और मिनट के बीच संबंध। और आपको पता ही है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो जो भी हमारे पास घंटे में सवाल होगा उसमें हम 60 मिनट का गुणा कर देंगे। भिन्न का हो सकता है, दशमलव का हो सकता है, या इस तरह का सामान्य सवाल हो सकता है,
कुछ भी, लेकिन हमें जो तरीका है, प्रक्रिया है, वही अपनानी है कि एक घंटे बराबर 60 मिनट, तो जो भी हमारे पास घंटे दिए गए हैं उसमें हमें 60 मिनट का गुणा करना है और फिर उसको हल कर लेना है, और इस तरह से हमें जो घंटे हैं वह मिनट में बदल जाएगा।